हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी, आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको कौन सा चार्ट यूज करना है, फ्यूचर के लिए आपको कौन सा प्रेफर करना है, उसके बेस पे आपको कैसे ट्रेड मिलते हैं और क्या आपको टारगेट्स रखने चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने लगा के रखा है बैंक निफ्टी का 39,900 का कॉल। ये हमने ऑप्शन स्पेशल एडवांस स्ट्रेटेजी लगा के रखी है। इसमें जब कोई भी कॉल बनता है तो आपको बाय कॉल जनरेट होके आएगा जो एक एरो से डिनोकेट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको टारगेट दिए जाएंगे, वो सारी डिटेल्स आपको एक बॉक्स में भी नजर आएगी। जब कोई भी बाय या सेल कॉल आता है वो कैंडल्स पे आपको कितने बायर्स और सेलर्स रहेंगे ये आपको परसेंटेज में डिनोकेट करेगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है या फिर क्या स्ट्रेंथ है मार्केट में, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 85% बायर्स थे और उसके बाद जो इसने सेकेंड टारगेट तक की आपको आसानी से मुंह दे दी, राइट। तो हम कैलकुलेट कर लेते कि क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बनी और क्या आपको टारगेट्स मिले। तो जैसे कि आपको एंट्री मिली थी 283 के अराउंड, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 25 के लॉट साइज है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट बना वो 283 का था, मतलब अराउंड 7,000 के अराउंड का आपका इन्वेस्टमेंट था इस ट्रेड के बेस पे सिंगल लॉट पे। और जो प्रॉफिट आपको मिला वो 352 का आपका सेकेंड टारगेट था, मैं माइनस करूंगा आपका एंट्री पॉइंट, तो आपको टोटल 69 पॉइंट्स मिले, जो कि मैं अगर मल्टीप्लाई करूं लॉट्स से तो प्रॉफिट बनता है 1700 रुपये का। 7000 का इन्वेस्टमेंट था, 1700 का आपका प्रॉफिट बना। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और आपको अभी किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है ये अगर जानना हो तो उसके लिए आपको फ्यूचर का चार्ट एनालाइज करना है। फ्यूचर में अगर कोई आपको बाय कॉल परफेक्ट मिले, जैसे कि ये बाय कॉल था मॉर्निंग के सेशन में, राइट, तो इसके बेस पे मैंने एक एट द मनी या नियर टू आउट द मनी का कॉल का चार्ट मैंने प्रेफर किया एडवांस स्ट्रेटजी के बेस पे। तो उसको मैंने एनालाइज किया, अगर कोई बाय सिग्नल ये स्ट्रेटजी दे तो मैं ट्रेड करूँ। तो इस प्रकार से ये आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। उसके बेस पे आपको अगर परफेक्ट कॉल मिलता है तो आप उसको एंट्री करें। फर्स्ट टारगेट के बेस पे आपको 10% तक का प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड टारगेट का आप अगर वेट करते हो तो आपको अराउंड 20-22% का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बायर्स के लिए। सो ये एक एडवांस स्ट्रैटेजी क्यों मानी गई है उसका मैं कारण बताता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, साथ ही साथ आपको बायर सेलर्स के परसेंटेज दिए जाएंगे। इसके अलावा जब मार्केट लाइव चलता है तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्स के लाइव रेट से वो ऑटोमेटिकली अपडेट होके मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें एडवांस दी गई है। मैं आपको पुरानी स्ट्रैटेजी भी दिखाता हूँ, अगर आप कंपेयर करो तो ये स्ट्रैटेजी में कोई भी बाय कॉल नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन जो अपडेटेड स्ट्रैटेजी है उसने आपको एक बाय कॉल दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। तो यही डिफरेंस होता है, स्ट्रैटेजी दिखने में सेम होती है, कैंडल सभी में दिखती है, लेकिन मेन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो एक्यूरेसी को देना चाहिए, कॉल फ्रीक्वेंसी को देना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें अलग है। इसके लिए हम इस स्ट्रैटेजी को एडवांस बोलेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एडवांस दी गई है। सो अगर आप इसको एनालाइज करके सही से ट्रेड करो तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है। एडवांस स्ट्रैटेजी के बेस पे अगर आप किसी भी ऑप्शन को एनालाइज करो तो आपको सही से आपको ये कॉल जनरेट करके देगी और आपको फर्स्ट सेकेंड टारगेट तक का एक्यूरेसी ये जनरेट करा के देगी। तो इस प्रकार से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।